मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर की। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हॉस्टल की अबाउट। हम लोग ने काफ़ी साल से बोल रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्टल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा बिकॉज गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ हमारे लिए फैसिलिटीज़ नहीं रखी है। प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा कि नहीं हम क्या करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अबाउट बहुत सारे यहाँ पे रूल्स निकले, बट ऐसा कोई फॉलो हुआ नहीं क्योंकि हमें फार लॉन्ग एरिया से बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं और उन्हें यहाँ पे फैसिलिटी ये वाली नहीं है, इसलिए उन्हें काफ़ी दूर दराज से चल के आना पड़ता है और शाम तक वो वहाँ तक पहुँचती है और काफ़ी लेट हो जाती है और उन्हें व्हीकल की प्रॉब्लम भी है। और अगर हमारे कॉलेज में ये होता हॉस्टल होता तो वो बच्ची यहाँ आराम से रह सकती और अपनी स्टडी को कम्प्लीट कर पाती। एंड देन जो ये बॉर्डर एरिया है वहाँ पे काफ़ी शेलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट टाइम से भी और बच्चियों को वहाँ से यहाँ तक आना पड़ रहा था और नहीं मिल रही थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी और यहाँ से वापस जाने में लेट हो रही थी। तो जो ये प्रॉब्लम सारी है इनको फेस करने के लिए जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्चियों को यहाँ नहीं एडमिशन करवा रहे, वो पूंछ रजौरी एंड एक्स्ट्रा कॉलेजेस में करवा रहे बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं। सो अगर ये फैसिलिटी हमारे कॉलेज में होगी तो हमारे एरिया की स्टूडेंट्स जो हैं जो गर्ल्स हैं वो हमारे कॉलेज में आएंगी और यहाँ पर स्टडी ले। और हमारे यहाँ कॉलेज में हॉस्टल की बहुत ही परेशानी है और स्टूडेंट्स खास करके गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत दूर से आते हैं, कुछ पहाड़ी इलाके से आते हैं बहुत दूर से, गाड़ियों की प्रॉब्लम बनती है और कुछ टाइम पे घर भी नहीं पहुंच सकते जिस वजह से पढ़ाई में भी लॉस होता है। और मैक्सिमम यहाँ से लोग रजौरी पुंछ जम्मू के लिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ हॉस्टल्स भी हैं। कुछ लोग कुछ माँ बाप खज्जल हैं अपनी औलाद को लेके वहाँ जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, पीछे घर में भी कितनी प्रॉब्लम आती हैं और घर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। और हमारे यहाँ मैंडर में हॉस्टल की मतलब बहुत ही ज़रूरत है, हॉस्टल तो यहाँ होना ही चाहिए क्योंकि बच्चे ना तो टाइम पे पहुंच सकते हैं घर पे, पढ़ाई में रिकावट आती है और सुबह भी कई कॉलेज में मतलब क्लासेस के लिए लेट हो जाती है। कि आप बेटी के लिए बहुत से रूल निकालते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस वजह से उसके लिए ये भी ज़रूरी है, एक अहम हिस्सा है कि हमें हॉस्टल भी मिलना चाहिए। तो अगर हॉस्टल होगा तो बेटर होगा सब कुछ, तो ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें हॉस्टल दें। इसमें हॉस्टल्स की सख्त ज़रूरत है, यानी दोनों हॉस्टल्स की बहुत ज़रूरत है लेकिन गर्ल्स हॉस्टल की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अगर देखें हम यहाँ पे तो हमारे पास 1127 टोटल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की इस वक्त हमारे पास, और इसमें हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, 574 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। और हमारे इस तहसील मैंडर के अंदर डिफरेंट एरियाज से जितने दूर दराज इलाके सभी हैं, सभी एक ही कॉलेज है और सभी बच्चियाँ वहाँ दूर दराज से आती हैं। और मोर ओवर हमारा जो कॉलेज जो है अगर आप देखें तो बिल्कुल बॉर्डर के करीब है यहाँ पे, और बस मैंडर सारा ही एक तरह से बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, LOC के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक तो बच्चियों को वापस आना कॉलेज आना सुबह में और शाम को वापस जाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हॉस्टल कॉलेज के अंदर हो जाए तो ये स्ट्रेंथ और गर्ल्स स्टूडेंट्स की ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चियों को इसलिए दाखिल नहीं करवा सकते हैं क्योंकि एक देखिए कि अगर 3-4 घंटे सिर्फ उनको आने जाने में लगें तो इतने ऑड आवर्स में उनको वापस घरों पे पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यानी मैं समझता हूं कि अगर हॉस्टल फैसिलिटी यहां पे हो तो गर्ल्स स्टूडेंट्स की तादाद इससे डबल हो सकती है। हमारे बहुत सारे ऐसे मैंडर कॉलेज के जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को बड़ी मुश्किल से जम्मू में कभी दाखिल करवाते हैं सिर्फ हॉस्टल की वजह से। ये जो अगर देखें हमारा कॉलेज, इसको बहुत यानी शाबाशी मिलना चाहिए कि जिस कॉलेज में जो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, और ये तादाद हर साल आस्ता आस्ता बढ़ रही है, लेकिन अब भी जो दुश्वारियाँ जो परेशानियाँ जो प्रॉब्लम्स गर्ल्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं हमारी मैंडर में, उसको देखते हुए हॉस्टल्स की सख्त ज़रूरत है। अभी आप देखें तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही नाकारा है, नाकिस है एक तरह से कहिए। आप देखिए कि हमारे पास बसेज नहीं है, अब इन टाटा सोमोज जैसे हमारी चलती हैं इनमें हमारी बच्चियों को सेफली कॉलेज तक पहुंचने और यहाँ से वापस जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और इस हालत में अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामला अगर हम लेके चलें, और एक ऐसा स्लोगन है पूरे इंडिया के अंदर है, और अगर हम ये देखें और एक यानी पॉजिटिव साइन अगर हम देखें इस वक्त में कि बच्चियाँ इतनी बढ़ चढ़ के कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही हैं,